बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पाली हिल स्थित दफ्तर को तोड़े जाने संबंधित मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि कंगना द्वारा तोड़फोड़ में हुए नुकसान के बयान का वह समर्थन नहीं करता है। साथ ही कोर्ट ने ये भी माना है कि ये सभी चीजें कंगना को धमकाने के मकसद से की गई। कोर्ट ने कहा है कि कंगना को हर्जाना दिए जाने के लिए दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का मूल्यांकन किया जाएगा, साथ ही जो भी हर्जाना होगा वो बीएमसी द्वारा भरा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कंगना बीएमसी से दफ्तर को दोबारा बनाने के लिए आवेदन करेगी, साथ ही 3 महीने के अंदर आर्किटेक्ट को डैमेज का मूल्यांकन करना होगा और दफ्तर का बाकी हिस्सा जिसे बीएमसी अनाधिकृत बता रही है उसे नियमित किया जाएगा। कोर्ट का यह फैसला दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के बाद करीब 2 महीने तक चली बहसों के बाद सुनाया गया है। जहां तक कंगना द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों और पोस्ट का सवाल है तो कोर्ट ने कहा कि उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। वहीं कोर्ट ने कहा कि वह कंगना द्वारा दिए गए बयान हालांकि गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जाए।